चलिए आइए कुछ दीप जी कुछ बीटीएससी ट्रेड्स देख लेते हैं, यानी कुछ शेयर्स जहां पर आप पोजीशन करके लिए कैरी कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई। सबसे पहले धवल पी व्यास मानते हैं अदानी पोर्ट्स में आप खरीदारी कर सकते हैं 232 के टारगेट्स के लिए। 217 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये कल के लिए ट्रेड कैरी करना है आपको। दूसरी चॉइस जो है धवल पी व्यास की आज के लिए वो रहेगी पिडलाइट। खरीदारी कीजिए कल के पर्सपेक्टिव से, 623 के लक्ष्य आपको रखने हैं। स्टॉप लॉस 600 का आपको मेंटेन करना है, 599 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और ट्रेड्स गौरव रानाडे की ओर से, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं ल्यूपिन पर, 1782 का के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है, 1785 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं और टारगेट जो है वो 1830 के देख रहे हैं। गौरव रानाडे ने दूसरी पिक भी बताई है बीटीएसटी ट्रेड के तौर पर, इन्होंने चुना है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। 1020 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए 987 के स्टॉप लॉस के साथ, 1002 के लेवल्स पर अभी ट्रेड करते हुए। दो और ट्रेड्स आपको बता देते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स के तौर पर, और ये कॉल्स आई हैं पुष्कराज कैरेटकर की ओर से। बर्जर पेंट्स इन्होंने चुना है 245 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस 233 का मेंटेन करने की सलाह दी है। और दूसरा ट्रेड पुष्कर की ओर से रहेगा जहां पर आप पोजिशन बना सकते हैं कल के लिहाज से, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया है अशोक लेलैंड 99 के टारगेट्स के साथ खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस आपको 91 के लेवल्स पर रखने हैं। मिस्टर बसीन, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपकी अप्रोच क्या है? स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रही थी बीते क्वार्टर में, परफॉर्मेंस भी आई स्टॉक की ओर से, बाद में मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक भी थोड़ा करेक्ट हुआ, आज वापस गेन किया है, 1000 के लेवल के ऊपर आया है, पर अभी आउटलुक क्या है मौजूदा लेवल्स पर? हाँ, तो दीपाली टेक्निकली फंडामेंटली रिलायंस ने अपना एक जो 5 साल से दायरा था नॉट बीइंग एन मार्केट परफॉर्मर, अब मार्केट आउट परफॉर्मर हो गया है। इट हैज़ नॉट फॉलन एज मच इट एज द मार्केट फेल, और ऑन द अपसाइड इट स्टार्ट्स टू ग्रो इन ट्रैक्शन। तो आई थिंक अगर एनर्जी स्पेस में आपने स्टॉक लेना ही है तो रिलायंस इज एन आउट परफॉर्मर। साथ में हमें लगेगा इस क्वार्टर के बाद, इस महीने के बाद आपको जियो के भी नंबर्स आएंगे, शेल गैस हो गया, ऑन पेट्रोकेम मार्जिन्स, ऑन देयर रिटेल आउटलेट, सारे बिजनेसेस को कंबाइन करके हमें लगता है रिलायंस कैन बी एन आउट परफॉर्मर। और अगर मार्केट निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस हैज़ टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर शॉर्ट टर्म के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ ट्रेड तो आई थिंक लॉन्ग ऑन रिलायंस, शॉर्ट ऑन ONGC, क्योंकि अपस्ट्रीम कंपनीज में जो नया एड वैलोरम लगा है वो एक नेगेटिव है। तो रिलायंस फॉर एनी ऑन एनी पैरामीटर इज एन आउट परफॉर्मर, ऑन एनी डिक्लाइन ये लेना चाहिए, 1040 से 50 तक का इसका स्तर जल्दी आ जाना चाहिए। इस बीच आप देखिए एक बार फिर से शक्ति पंप्स को अब करीब करीब 20% के अपर फीस पे स्टॉक, क्या जोरदार थीसिस ने देखी आज। फिर आप देखिए एक और स्टॉक सद्भाव इंफ्रा, ये करीब करीब 8980 पर ऑलमोस्ट डे है की ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही काउंटर, करीब करीब 12% ऊपर। और एक दो स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स में की कैटेगरी में जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा, सिविल लाइफ साइंसेज का जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन आज वॉकहार्ट ने भी कुछ डिफरेंट करके दिखाया। स्टॉक 884 पे, हालांकि कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखिए ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये डिफरेंट है उस दौर के प्राइस परफॉर्मेंस में जिस दौर में ये बहुत गिरा है। देखिए ये 1600 से गिरा 1200, पुल बैक कहाँ तक आया, सिर्फ 1250 तक, फिर ये गिरा, फिर आया 700, फिर लेकिन पुल बैक इस बार जो है वो इन कंपैरिजन टू तो प्रीवियस पुल बैक इस बार ज़्यादा सस्टेनेबल लग रहा है, वो कैंडल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। वॉकहार्ट की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ गौरांग आप इस पुल बैक में पार्टिसिपेट करेंगे वॉकहार्ट के पुल बैक पे? वीरेंद्र हमारी कवरेज नहीं है, ना तो पुल बैक ना तो फॉल बैक पर हम पार्टिसिपेट करना चाहेंगे जी। इस बीच आप SBI को देखिए, अब जो मजबूती है वो और स्ट्रेच हुई है, अब 12.5% के गेंस के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ट्रेड कर रहा है 182 के लेवल्स पर। सुबह से स्ट्रांग था और अब जो मजबूती है वो और एक्सटेंड हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी बैंकिंग शेयरों का हाल भी देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट पर, क्या वहां भी जो मजबूती सुबह से दिख रही थी उसमें और स्ट्रेच आया है कि नहीं? SBI में डेफिनेटली आया है, जो करीब 20 से 21 रुपए की मजबूती से कामकाज कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी भी कायम है, थोड़ा और स्ट्रेच मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा वही है, करीब करीब 6.5 से 7% की मजबूती अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखी जा रही। बैंक ऑफ इंडिया करीब 7 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है 8.5% की बढ़त के साथ। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर, इनफैक्ट एक बार कोल इंडिया को देख लेते हैं। कोल इंडिया कल भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच, बहुत स्ट्रांग पार्टिसिपेशन स्टॉक की ओर से नहीं आया था, आज भी फ्लैट था सुबह से, लेकिन अब थोड़ा सा कमजोर हुआ है और अब एकाएक दिन के निचले स्तर पर आया है 2.5% की वीकनेस साथ 310 के लेवल्स पर। मिस्टर भसीन, कोल इंडिया पर राय क्या है? हालांकि 5 मार्च को बोर्ड बैठक है जिसमें इंटरिम डिविडेंड पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन कोई पार्टिसिपेशन इस स्टॉक की ओर से आया नहीं है ना कल ना आज। ये देखिए, दो तीन दिग्गज स्टॉक जो PSU बास्केट में हैं
उन पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि दिवाली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 20-30% अब वो करेंगे रिटर्न ऑन एज डिविडेंड, तो डिविडेंड बढ़ाने के वजह से मार्केट में अट्रैक्टिवनेस रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा खराब हो जाता है, इस कारण से जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा रुकेगा, बिकॉज डिविडेंड अट्रैक्टिव है लेकिन दैट मीन्स कि कैश आप बैलेंस शीट से सरकार के हाथ में डालने का चेष्टा कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म इट्स अ नेगेटिव, लॉन्ग टर्म हमें लगता है कोल इंडिया आपको 300x डिविडेंड होएगा, 290 रुपये 295 में मिल जाए तो बहुत अच्छा प्ले है, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने प्रोडक्शन ऊपर बढ़ाया है अपना, साथ में आप देखिए कि कोल प्राइसेस आर ऑन दी अपटेक, और साथ में जो इसके पास मर्चेंट कोल सेल करने की अनुमति है उसमें इसमें काफ़ी मार्जिन एक्सपेंशन दिखा है, तो ऑल पुट टुगेदर 290 और 295 पे एक्स डिविडेंड ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। अभी कोई लेना चाहे डिविडेंड के लिए तो आई थिंक 7-8% आपको डिविडेंड यील्ड ही मिलता है स्टॉक पे, तो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा बाय है। कुछ डिफरेंट है अभी दीपाली जिक्र करती है एसबीआई का, देखिए 180-60 पे शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग, और आई थिंक देखिए जिन्होंने ये मैंडेट बना लिया था ना बजट के दिन के अब दैट्स इनफ, नहीं अब 165 के ऊपर नहीं जाएगा, आज उनके लिए दिन सबसे मुश्किल है। आई मीन कैन यू बिलीव 25-13 लगभग 28 लाख शेयर 165 और 170 की कॉल में घटे हैं। आप इस बात पे आई थिंक मैं बहुत ही कम देखा होगा इस पे कि 28 लाख शेयर 2 स्ट्राइक्स में घट गए, और आप देखिए कि किस तरीके से पुट राइटिंग हुई है 170 165 160 पे, ये कुछ डिफरेंट है बिल्कुल, अगर आप देखें डिफरेंट है ये। और बड़ा बड़ी चीज़ें हो रही है, अगर आप देखें यहाँ पर 180 की कॉल में 10 लाख शेयर जुड़े, 185 की कॉल में 730, 190 की कॉल में 474, ये अब कम्प्लीटली अगर आप देखें बुल्स की ग्रिप में है स्टॉक 81-82-45 पे। कुछ बीटीएससी ट्रेड्स की बात कर लेते हैं, कुछ ट्रेड्स जो कि कल के लिए कैरी करने चाहिए। भसीन साहब, 2 ट्रेड्स जो कि आपके लिए कल के लिए कैरी करेंगे। आप ही के शेयर हैं डिश टीवी, जिसपे अटकली लगी थी कि सर्विस टैग बढ़ने से इशू आएगा, हमें लगता था वो 67-68 एक एबरेशन है, आज अगर 72-73 का भाव है हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म 78-79 मिल सकता है। और दूसरा जी टीवी, आई थिंक बेस्ट प्ले ऑन दी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, ऑन द जो आपका डिजिटलाइजेशन की वेव एक चल रही है, एंड आई थिंक जो आपके नए प्रोग्राम्स हैं दे हैव बीन वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय अ लार्जर पार्ट ऑफ द ऑडियंस, तो जी टीवी को आप ले सकते हैं, 385 का स्टॉप लॉस रखिए और 430-435 तक का लक्ष्य होना चाहिए।